ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गैलेक्सी ब्लू सैफायर मॉल में हुए हादसे पर मॉल प्रबंधन पर बड़ी कार्रवाई की गई है और गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने सुरक्षा कारणों के चलते मॉल को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही बिसरख थाना में मॉल के मालिक और मैनेजमेंट के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया गया है और मॉल में दर्दनाक हादसा होने के बाद लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ था। लोगों का कहना है कि मॉल में ऐसे हादसे पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे ग्रेटर नोएडा की न्यूज़ के बारे में पता चला तो मैं ये कहना चाहूँगी, जिस तरह से वो हादसा हुआ है, वो हादसा एक बहुत गलत हादसा है। आए दिन मॉल में इतनी जनता होती है, जिला प्रशासन को वहाँ पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने चाहिए ताकि इस तरह के हादसे ना हो। जो मरा होगा वो भी किसी का भाई होगा या बेटा होगा, इन सब चीज से जिसके परिवार में ये चीज़ होती है वो समझ सकता है। इसलिए प्रशासन को चाहिए इसके लिए ठोस कदम उठाए और सख्त से सख्त ऐसे कानून बने ताकि इस तरह की घटनाएं घटित ना हो। मेरा यही प्रशासन को कहना है। देखिए, उस हादसे पे इवेंचुअली वादी की तहरीर पर कल ही एक मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया था। आज हम लोगों ने विभिन्न डिपार्टमेंट से टीम भेजकर एक बार वहां पर जो स्ट्रक्चरल इंक्वायरी है वो भी हम लोगों ने करवा दी है और जिसमें फायर डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी और अन्य भी विभाग वाले उधर आ गए थे, एक बार विजिट कर लिया है ताकि कोई भी ऐसे हादसे की पुनरावृत्ति वहां पर ना हो। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गैलेक्सी ब्लू सैफायर मॉल में ग्रिल गिरने से दो लोगों की मौत हो जाती है और उसके बाद में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह द्वारा जो है निर्देश दिया जाता है, सुरक्षा व्यवस्थाओं के चलते मॉल्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है और मॉल के मालिक और प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। हालांकि अगर बात करी जाए तो नोएडा ग्रेटर नोएडा में तमाम मॉल्स बने हुए हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्थाओं पर अब सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। और अगर बात करी जाए तो इन मॉलों में जो है हजारों की संख्या में लोग घूमने आते हैं, शॉपिंग करने आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मॉल्स में इस तरीके का जो हादसा देखने को मिला है दर्दनाक, तो उसके बाद में सवालिया निशान खड़े होते हैं। पुलिस कमिश्नर की तरफ से तुरंत जांच के आदेश जारी कर दिया गया, सभी मॉलों की जो है NOC जांच करी जा रही है, साथ ही साथ जो सुरक्षा के इंतजाम है उनको चेक किया जा रहा है जिससे कि जो लोग वहां पर घूमने आते हैं, शॉपिंग करने आते हैं, उनकी जान के साथ खिलवाड़ ना हो सके। तो तमाम जो है जिला प्रशासन की तरफ से जो अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। हालांकि अगर बात करी जाए तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के साइड में कुछ ऐसे भी मॉल्स है जिनका निर्माण किया जा रहा है और निर्माण के दौरान ही जो है वहां पर जो है शॉप चालू कर दी जा रही है, बिना NOC के जो है वहां पर दुकानें खोल दी जा रही है और कहीं ना कहीं हादसा देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो नोएडा प्राधिकरण है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है, तमाम प्रशासन है, उनको जो है सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि आने वाले समय में किसी भी लोगों के साथ में या जो लोग घूमने आते हैं उनकी जान के साथ खिलवाड़ ना हो सके। नोएडा से विनायक गुप्ता, नेटवर्क 10।